वीडियोस तो आप बहुत देखते होंगे, परंतु कुछ वीडियोस भारत की सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कारों से जुड़ी होती हैं, और ये जिससे जुड़ी हैं वह है संस्कृत भाषा। तो चलिए चलते हैं संस्कृत भाषा की ओर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द संस्कृत एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है, आज का हमारा विषय है लिंग परिवर्तन एवं वचन परिवर्तन। आप सभी ने बहुत कुछ देखा होगा पीछे भी, द संस्कृत एजुकेशन में लिंग परिवर्तन पर भी वीडियो है और वचन परिवर्तन पर भी। परंतु आज मैं आपको सूक्ष्म तौर पे बहुत ही कम समय में दोनों विषय को समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए बढ़ते आगे हम इस चैनल की तरफ। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर उदय झा आपको बता देना चाहता हूँ द संस्कृत एजुकेशन का मूल उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है, यह एक साल से अधिक समय से यह कार्य कर रहा है। इस चैनल का आप सभी को पता है, पूरे देश और विदेश में संस्कृत के विकास, संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, आप सभी से मुझे उम्मीद है द संस्कृत एजुकेशन के वीडियोस को आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे और बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, और आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस विषय की तरफ। तो जैसा कि लिंग परिवर्तन की परिभाषा क्या है, आखिर लिंग परिवर्तन होता क्या है, यह मन में बहुत बार दुविधाएं आती हैं, बहुत बार डाउट आता है। तो आज हम यह समझेंगे कि आखिर लिंग परिवर्तन होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द लिंग परिवर्तन, के लिंग क्या है, व्हाट एंड हाउ एंड एग्जाम्पल, तीन तरीके से हम किसी चीज को समझते हैं। किस किस तरीके से, मेरे प्यारे दोस्तों? व्हाट मतलब क्या है, फिर हाउ कैसे करें, और एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अन्य भाषाओं से अलग संस्कृत में दो की जगह तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। यह आपको पता लग गया होगा। जब भी आप किसी शब्द को किसी दूसरे लिंग में बदलते हो, उसे लिंग परिवर्तन कहा जाता है। जैसे पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग में परिवर्तित करना आदि। चलिए तो आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ शब्द हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब देखो लिंग परिवर्तन क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैं कलर से बताता हूँ। मान लो मैंने अपने पास शब्द ले लिया यहाँ पे गायक, और गायक शब्द का ही मान लीजिए मुझे करना पड़ा चेंज वर्ड। तो कैसे करूँगा मैं, तो अब देखिए उसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग चेंज। जैसे कि गायक का यहाँ स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, गायिका। तो यहाँ कहने का भाव ये है, गायक का क्या बन गया, गायिका। तो जब भी आपसे परीक्षा में लिंग परिवर्तन में गायक शब्द पूछा जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, जी हाँ सही पहचाना, गायिका। आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से लेखक। यदि आपसे पूछा गया लेखक, यहाँ पे विसर्ग भी डाल देंगे, यदि आपसे पूछा गया लेखक तो उसका क्या होगा, उसका हो जाएगा लेखिका। क्या होगा, लेखिका, लेखक का लेखिका। आगे देखते हैं नर का क्या होगा दोस्तों, जी हाँ नर का आपका हो जाएगा, क्या होगा नर का, नारी। नर का क्या होगा, नारी। उम्मीद है आप लोग लिंग परिवर्तन बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। तो शिष्य का क्या हो जाएगा, शिष्य का क्या होगा, शिष्या। जी हाँ सही पहचाना, शिष्य का होगा शिष्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां बालक, यदि मान लीजिए बालक शब्द आ जाए लिंग परिवर्तन में और आपको उसका लिंग परिवर्तन करना हो, तो क्या हो जाएगा, बालिका। उम्मीद आप ऐसे तो नहीं रोते हो गए, हैं रो रही है या हंस रही है, खुद सोचिए। ठीक है, तो बालक का बालिका। आगे बढ़ते हैं पितामह। आप सबने शब्दकोश वाली पीपीटी देखी होगी, उसमें आप सबको पता होगा पितामह मतलब दादा। ठीक है, तो दादा का क्या होगा लिंग परिवर्तन, यदि ऐसा शब्द आता है तो पितामही। बहुत अच्छे से आप लोगों ने लिंग परिवर्तन यहाँ पे समझ लिया होगा। मैं आपको और बता दूं, और भी बहुत सारे लिंग परिवर्तन विषय आते हैं, जैसे कि मृग का मृगी, हंस का हंसी, मयूरा का मयूरी, ऐसे अज का अजा, बहुत सारे ऐसे लिंग परिवर्तन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अभी फिर से हमारा विषय दूसरा जो था वह आ गया है वचन परिवर्तन। आखिर वचन परिवर्तन की परिभाषा क्या है, वचन परिवर्तन कहते किसे हैं, उसको हम लोग समझेंगे अभी। तो यहां देखिए पहले परिभाषा समझते हैं। अन्य भाषाओं से अलग संस्कृत में दो की जगह तीन वचन होते हैं, कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन।
जब भी आप किसी शब्द के वचन में बदलाव करते हैं उसे वचन परिवर्तन कहा जाता है। जैसे एक वचन शब्द को द्विवचन या बहुवचन में परिवर्तित करना आदि। अब यहाँ पे देखेंगे वचन जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग एवं उनका पुरुष में किस प्रकार से प्रयोग होता है वह भी समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए नर शब्द और मुझे इसका द्विवचन लिखना है तो क्या हो जाएगा, नरौ। और यदि इसका बहुवचन लिखना है तो क्या होगा, नराहा। सिंपल है, इस प्रकार से हम इसके वचन बदलते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास दूसरा शब्द है लेखक, इसका द्विवचन बनाना तो क्या होगा, लेखकौ। और बहुवचन बनाना तो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, लेख का। बिल्कुल सही पहचाना, लेख का। अब मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं और फिर बताता हूं आपको अगला शब्द। अगर मान लीजिए सिंह शब्द है तो क्या होगा, द्विवचन में सिंहौ, बहुवचन में सिंहा। उसी प्रकार यदि स्त्रीलिंग शब्द है और हमें उसका वचन परिवर्तन आ जाए तो रमा का क्या होगा दोस्तों, रमे। और बहुवचन में पूछा जाएगा, निर्देश होगा तो क्या होगा, रमा, रमाह। देखिए निर्देश का समझना बहुत जरूरी है, जो कि पिछली पीपीटीज में मैं आपको बता चुका हूं। उसी पर राधा का क्या हो जाएगा, राधे, क्या हो जाएगा, राधे। और राधे का ही बहुवचन क्या होगा, राधा, राधा। और लेखिका यदि हमारा शब्द है, लेखिका का द्विवचन क्या होगा, लेखिके। और बहुवचन क्या होगा, लेखिका, लेखिका। इसी प्रकार यदि मान लो पुष्प शब्द है हमारे पास, एक वचन में द्विवचन में क्या होगा, पुष्पे। और बहुवचन में पुष्पाणी, बहुवचन में क्या होगा, पुष्पाणी। अच्छा, उसी प्रकार यदि मित्र शब्द है और निर्देश द्विवचन का मिला तो क्या हो जाएगा, मित्रे, बिल्कुल सही। और बहुवचन होगा तो मित्राणी। उसी प्रकार यदि गृहम शब्द है तो द्विवचन में उसका हो जाएगा गृहे और बहुवचन में हो जाएगा गृहाणी, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस चीज को समझ चुके हैं। अब इसके बाद में एक अलग फैक्टर की बात करने जा रहा हूं जो कि आपको समझाने जा रहा हूं, तो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे अभी और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो यहां देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक विशेष चीज बताना चाह रहा हूं। यदि मान लीजिए हमारे पास ये एक वचन का कोई भी शब्द है, एक वचन का, तो यानी वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग, इनमें कोई भी शब्द हो, तो उसकी क्रिया के अंत में, उसकी क्रिया के अंत में यदि हमारा प्रथम पुरुष है, ये सारे प्रथम पुरुष के वाक्य आते हैं, तो हमारी क्रिया के अंत में ती आएगा। जैसे मान लीजिए मैं ती लगा रहा हूं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पठ ती। तो मैं क्या बोलूंगा प्रयोग की दृष्टि से, मैं बोलूंगा नरहा पठती, रमा पठती, पुष्पम पठती, लेखका पठती, राधा पठती, मित्रम पठती, सिंह, सिंह पठ नहीं सकता तो गर्जति, सिंह गर्जति, लेखिका पठती, गृहम, गृहम अस्ति। इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। अब ऐसे ही द्विवचन है तो उसकी क्रिया के अंत में क्या होगा, यानी जब हम वाक्य देखते हैं वचन परिवर्तन में, ठीक है, यदि हमने नरव प्रयोग किया तो उसकी क्रिया के अंत में यहां पर देखेंगे क्या आ जाता है, उसकी क्रिया के अंत में त आता है। जैसे कि हो जाएगा नरव पठत, रमे पठत, पुष्पे पठत। पुष्पे नहीं हो सकता, आपको बता दो नपुंसक लिंग में मित्र का तो चल सकता है, बाकी इन सबके दूसरे शब्द बन जाएंगे, तो पुष्पे हो सकता है वहां पे, पुष्पे स्तः ऐसा प्रयोग मिल जाए। उसी प्रकार लेखकौ, राधे, मित्रे, सिंहौ, लेखके, गृह, आप लोग समझ गए होंगे। अब उसे अंति या पठंती, तो जैसे कि हम लोग बोल देते हैं पठंती, तो उसमें यह अ हटा देते हैं, इसमें जुड़ जाते हैं, तो यहां हो जाता है पठंती, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग ये चीज समझ गए होंगे, पठंती यहां प्रयोग होगा। तो नराह पठंती, रमाह पठंती, लेखकः पठंती, राधा पठंती, मित्राणि पठंती। इस प्रकार से हम लोग, इस प्रकार से हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसको करना है। तो यही है वचन परिवर्तन। तो आप सूक्ष्म तौर पे बहुत ही सरलता से, मेरे सभी संस्कृत प्रेमियों, आप यह समझ चुके हैं। तो इसी साथ अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं समाचार पत्र का एक उदाहरण, नरह समाचार पत्रम पठती, बालकः पठती, पितामह तिष्ठति, पितामह तिष्ठति। इस प्रकार से
हम लोगों ने ये बहुत सारे शब्द बहुत ही सरलता से समझ लिए, क्योंकि ये तीनों ही वाक्य में हम लोग एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसके द्विवचन शब्द देखते हैं। जैसे कि यहां देखिए, यदि मान लीजिए वो स्त्रीलिंग का शब्द आता है, जैसे हमने पीछे क्या किया, पुल्लिंग शब्द में वचन देखा। अब स्त्रीलिंग में देखेंगे तो यहाँ द्विवचन में कैसे हो जाएगा, ते पुस्तके पठतः, बालिके लिखतः, लते विकसतः। ठीक है, तो उम्मीद है इस प्रकार से वचन परिवर्तन आप समझ गए होंगे कि द्विवचन में किस प्रकार के वाक्य होते हैं। अब आगे आप एक और देखिए उदाहरण, जैसे कि मित्राणि क्रीडन्ति, त्रीणि पुष्पाणि सन्ति, ये बहुवचन का उदाहरण है, चत्वारः पत्राणि संति। तो उम्मीद है आप सभी को आज का यह विषय समझ में आया होगा। तो द संस्कृत एजुकेशन की ओर से मैं डॉक्टर उदय झा आपके सामने विषय प्रस्तुत किया। उम्मीद है आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।